बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसेट ब्रोकर चांद और मैं हूं चांद भट्टी। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए पांच मरले का इंतहाई खूबसूरत घर लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम आपको इसकी बताएं कि प्राइस जो है, आजकल आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो बूस्टअप किए हुए हैं, तो जो पाँच मरले के गेटेड कम्यूनिटी में जो घर आ रहे हैं वो 1 करोड़ 50 लाख की रेंज में आ रहे हैं। तो ये वाला जो हम घर लेकर आए हैं आपके लिए, ये 1 करोड़ से भी कम कीमत का है। और सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है आपको बता दूं, ये गेटेड कम्युनिटी में घर वाक़ है। इसमें मेटल रोड्स हैं, अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो ये मेटल रोड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको पार्क वगैरह भी मिलता है, हर लिहाज से फुली डिवेलप ये आपको कम्यूनिटी मिलती है। इसमें पार्क भी है, मस्जिद भी है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, लेडीज़ वॉक वगैरह करती रहती हैं, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होती। तो घर का रिव्यू देता हूँ, तो ये 5 मरले का घर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है और आप इसका पेंट देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पेंट लगाया हुआ है। CCTV इसमें इंस्टॉल्ड है और आप देख सकते हैं कि सेफ्टी ग्रिल्स इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाई हुई हैं। तो घर का रिव्यू, ये अंदर मैं इंटर हो रहा हूँ, तो इंटर होते ही हमें बड़ी गाड़ी का पोर्च वेलकम करता है। बहुत ज़बरदस्त अकोमोडेशन है इस घर की, और मरला वा आपको पूरा मिलता है। जैसे गेटेड कम्युनिटीज़ में आपको मरला 225 का मिलता है, तो इसमें आपको 270 का मरला, जो पुराना मरला वो मिलता है। बड़ी गाड़ी का पोर्च वेलकम करता है, बड़ी गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। वॉल पेपरिंग मिलती है आपको, ये जो डिज़ाइन निशें बनी हुई हैं इसमें आप फ्यूचर में वाल पेपर चेंज भी कर सकते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा आपको एज मिलता है ऊपर के पोर्शन का, आपको यहाँ से सेपरेट गेट के साथ दरवाज़ा मिलता है, जो आपको अगर आप फ्यूचर में रेंट आउट करना चाहें तो वो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया, आपकी गाड़ियाँ खड़ी होती है तो आप यहाँ पे जैसे भी है पाइप लगा के आप इसको अपनी गाड़ी वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इंटर हो रहा हूँ इसके ड्राइंग रूम में। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम में आप ईज़िली अकोमोडेट हो सकते हैं, आपके गेस्ट वगैरह जैसे आते हैं तो यहाँ पर ईज़िली अकोमोडेट हो सकते हैं। वाशरूम मिलता है, अटैच बाथ मिलता है, बहुत ही खूबसूरत अटैच बाथ दिया हुआ है। इसकी जो टाइल्स हैं बहुत खूबसूरत टाइल्स हैं इसकी, और इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ है बहुत ही शानदार मटेरियल है। और ये इसको देख सकते हैं कि आपने इन्होंने 6 फीट तक इसको टाइल्ड अप किया हुआ है। जो मटेरियल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत, और इसमें जो टाइल्स आप देख सकते हैं कि अच्छे ब्रांड की टाइल्स इसमें लगाई हुई हैं। और आप इसके डोर की हाइट देखें कि भी इन्होंने टॉप तक इसको इसको दरवाज़ों को लगाया हुआ, और इसके लॉक बहुत खूबसूरत हैं। अब इसी साथ इंटर हो रहे हैं, मैं इसके इंटर हो रहा हूँ टीवी लॉन में। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका जो टीवी लॉन है इंतहाई खूबसूरत और वाइड टीवी लॉन है। इसमें आपको ये देखें खूबसूरत पेंट, और जो आपको छतें यहाँ पे खूबसूरत छतें मिलती हैं, आप इसकी थ्रू आउट आपको पूरे घर में ज़बरदस्त छतें मिलेंगी। ये आपको ये देखें, अब इसमें आपको ज़बरदस्त इसमें यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिलती है, इसमें केबल चीज़ हर जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट वगैरह वो सब आपको अंडरग्राउंड मिलता है। इसकी टाइल्स देखें बहुत खूबसूरत टाइल्स, वाइट कलर की टाइल्स यूज़ हुई हैं। अब इसकी अकोमोडेशन में बनते हैं 4 बेड, 2 नीचे बेड हैं, 2 ऊपर बेड हैं, और 5वां ड्राइंग मिलता है। कंजस्टेड नहीं है, देखें बड़ा बेड पड़ा हुआ है, ईजिली आप इसके ऊपर यानी कि आप ईज़िली दोनों साइडों से उतर सकते हैं, और आपके सोफ़े वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, जो आपकी मिरर है सिंगार मेज है वो भी आ सकती है। वेंटिलेशन के लिए आपको मिलती है यहाँ पर ये एलुमिनियम की ये ग्रिल्स मिलती हैं। और इसके अलावा वाल पेपरिंग आपको बताया, ये अंडरस्टूड है, ये फ्यूचर में चेंज हो सकती है, वैसे ये बहुत लॉन्ग टाइम चल सकती है। इसके साथ अटैच बाथ दिया हुआ है, और जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको मिलता है वार्डरोब जो टॉप तक है। और इसके साथ ही जो अटैच बाथ आपको मिलता है, अटैच बाथ की ज़बरदस्त जो इसमें टाइल्ड अप किया हुआ है वो ज़बरदस्त टाइल्ड अप किया हुआ है। उसके साथ में अब आपको रिव्यू देता हूँ दूसरे बेडरूम का। ये इसका दूसरे बेडरूम में हम इंटर हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि उसी तरह इसमें विंडो दी हुई है जिसमें आपको वेंटिलेशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि फुल साइज़ का इसमें बेड पड़ा हुआ है, ईजीली आप दोनों साइडों से उतर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो सिंगार मेज जिसे कहते हैं वो भी आपको देखें इसमें चीज़ें सेट हुई हैं, आपको इसका ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा। बाकी जो आपकी डेकोरेशन पीसेज वो यहाँ पर लग सकते हैं, मीडिया वॉल आपको बना सकते हैं। उसके साथ आपको इस साइड पे वार्डरोब मिलता है, और वार्डरोब के साथ ही मिलता है शानदार इसका जो वॉशरूम मिलता है। इसमें जो टाइल्स लगी हुई हैं वो आप टाइल्स, मैं कैमरामैन को कहता हूँ आप इधर इसकी टाइल्स अगर दिखाएं तो बहुत ज़बरदस्त टाइल्स इसमें लगी हुई हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो टाइल्स वगैरह जो बेहतरीन ये 6 फीट तक इन्होंने टाइल्ड अप किया हुआ है। और इसमें जो मटेरियल जो आपको इसकी ये जो शावर सेट और जो दूसरे आपको बेसन वगैरह नज़र आ रहा है
ये टोटली ब्रांड है, ज़बरदस्त ब्रांड है। वार्डरोब आपको इस साइड पे मिलता है। अब आपको लेके चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में। इसका ऊपर वाला फ्लोर ऑलमोस्ट अनटच है। उससे पहले सॉरी आपको किचन का टूर करवाते हैं। अब ये देखें किचन में एंटर हो गए, हमें वेलकम करता है ये ग्लास, जो इसका टेक्सचर आप देखें बहुत खूबसूरत टेक्सचर इसका बनाया हुआ है। अब इंटर हो गए हमें इसके, ये वैसे फ्रिज खुली हुई है तो आप देख सकते हैं कि खुला डुला किचन है। इसमें वेंटिलेशन भी दी हुई है और बिल्कुल न्यू स्टाइल का शक्कर लगा हुआ है जो आपके मतलब के सेंसर्स पे काम करता है। और इसमें जो ड्रॉज वगैरह बड़ी स्मूथ ड्रॉज हैं इसके, और जो इसमें रैक्स वगैरह आप इसके ये आप हाइड्रोलिक आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप डिनर सेट वगैरह इसमें आप इजीली सेट कर सकते हैं। और इसमें भी छत देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इसमें छत बनाई गई है। अब आपको ले कर चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में, जो आप अपर पोर्शन अगर आप फ्यूचर में इसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी ग्रिल बहुत खूबसूरत मजबूत ग्रिल, स्टील की ग्रिल यूज़ हुई हुई है। और आप इसका जो पत्थर देख रहे हैं जो इसके स्टेयर्स पर लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत और कंजस्टेड नहीं है, देख सकते हैं बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ यूज़ हुई हुई हैं। सबसे पहले हमें जो ये राइट साइड में मिलता है टेरिस मिलता है, आप देख सकते हैं कि टेरिस इसका खुला डुला है। यहाँ पर अगर आप गर्मियों में जैसे और सर्दियों में जैसे धूप वगैरह लेनी हो तो यहाँ पर ईजीली कर सकते हैं। बैक साइड पर भी इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी एंटर हुए हम टीवी लॉन में, आपको मीडिया वॉल मिलती है, खूबसूरत छत मिलती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी टाइल्स वगैरह बहुत खूबसूरत तरीके से लगाई हुई है, स्कॉटिंग भी की हुई है, ब्लैक की ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है। अब इंटर हो रहा हूँ मैं इसके ऊपर वाले पहले बेडरूम की तरफ। इंटर होते हैं तो खूबसूरत छत हमें वेलकम करती है, खूबसूरत टाइल्स। उसके अलावा विंडो देख सकते हैं कि विंडो जो अंडरस्टूड है कि भी आपकी वेंटिलेशन जो क्रॉस वेंटिलेशन होगी, पाकिस्तान में जैसे अलाव चल रहे हैं लाइट वगैरह की लाइट चली जाती है तो क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी, रोशनी का भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। अटैच बाथ मिलता है खूबसूरत टाइलों के साथ। आप देख सकते हैं कि इसको टाइल्ड अप किया हुआ है और जो भी मटेरियल इस पर यूज़ हुआ है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इसका जो दूसरा बेडरूम है उसमें भी आपको विंडो आप देख सकते हैं कि आप कुछ जितने भी रूम्स आप देखे उसमें वार्डरोब विंडो और अटैच बाथ मिलता है। बहुत ज़बरदस्त घर पेंट के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से, और देखें आप जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसी हिसाब से बनाए हुए, कंजस्टेड नहीं है, ज़बरदस्त इसमें बने हुए। ये आपको वार्डरोब मिलता है इस साइड पर और इस साइड में मिलता है अटैच बाथ, खूबसूरत अटैच बाथ मिलता है जिसमें वेंटिलेशन के लिहाज से हर चीज़ ज़बरदस्त दी हुई है। और आपको इसकी बैक साइड में मिलता है जो बैक यार्ड है, इसमें आपका वॉशिंग एरिया भी है और लॉन्ड्री एरिया बनाना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में इसमें कोई रूम वगैरह तैयार करना चाहते हैं तो इसमें आपका एक स्मॉल साइज़ का रूम भी हो जाएगा जो कि कंजस्टेड नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त इसमें आपकी एक रूम की सेटिंग हो सकती है। अगर इसकी जो उसकी बात करें हम इसके, हाँ बल्कि इसका सॉरी आपको ऊपर के किचन का रिव्यू देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी बात कर रहा था मैं। ये इसका ऊपर का देखें, बिल्कुल ये अनटच पड़ा हुआ है। ये आप टाइल देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल लेटेस्ट और ख़ूबसूरत। इसमें आप देख सकते हैं कि कैलीग्राफी हुई है। उसके अलावा जो इसका ऊपर जो इसका पत्थर रखा हुआ है ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। इसके रैक्स वगैरह बड़े स्मूथ हैं अंदर, ये भी वाला सारा अनटच पड़ा हुआ है। और वुडन वर्क आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसको कम्प्लीट किया हुआ है। और इस साइड पर आपको जो एलुमिनियम की विंडो मिलती है जिससे आपकी वेंटिलेशन वगैरह बेहतरीन रहेगी और जो घर है वो स्मोकी नहीं होगा। अब इसकी काइंडली आप जो वीडियो जो भी हम यानी कि अपलोड करते हैं आप उसकी डिस्क्रिप्शन को इन डेप्थ देखा करें, हम इन डेप्थ इसकी डिटेल दे देते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अच्छे खूबसूरत मुल्तान के घर आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा किया ख्याल, अल्लाह हाफिज़।